हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पेट नेशन। मेरा नाम है अंकित और गाइस आज हम एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वॉर्म्स एंड डीवॉर्मिंग के बारे में। तो गाइस जिनके पास भी पेट्स हैं, डॉग्स हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि डीवॉर्मिंग मुझे कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो इस वीडियो में गाइज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, आपको आगे से डीवॉर्मिंग के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे किस तरीके के वॉर्म्स होते हैं, उनका सोर्स क्या होता है, उनके इल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, डीवॉर्मिंग क्या होती है, डीवॉर्मिंग कैसे की जाती है, शेड्यूल क्या होता है और डीवॉर्मिंग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं वॉर्म्स की, वॉर्म्स होते क्या हैं। तो वॉर्म्स जो हैं एक पैरासाइट्स होते हैं गाइस, जो कि दूसरे होस्ट पे सरवाइव करते हैं, परजीवी हम उन्हें बोलते हैं। तो हमारे केस में डॉग्स जो हैं वो होस्ट होते हैं और वॉर्म्स जो हैं हमारे डॉग्स के बॉडी पे सरवाइव करते हैं, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो यहाँ दो तरीके के पैरासाइट्स हैं, इंटरनल पैरासाइट्स एंड एक्सटर्नल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो होते हैं वो डॉग के बॉडी के बाहर होते हैं, जिसे हम टिक्स बोलते हैं, फ्लीज बोलते हैं, वो सर्वाइव करते हैं डॉग के ब्लड पर। इंटरनल पैरासाइट्स जो होते हैं वो स्टमक में होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं डॉग को जो आप फूड देते हैं उसके ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, अंदर जो उनके ब्लड बनती है उनके ऊपर। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसका सोर्स क्या है, वॉर्म्स के सोर्स कैसे क्या हैं, ये हमारे डॉग के बॉडी में आ कैसे जाते हैं। तो सीधी सी बात है गाइस, हमने देखा है कि हमारे डॉग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, हर चीज़ को वो मुंह से पकड़ते हैं, चाटते हैं। तो डायरेक्टली उनके पेट में मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू वॉर्म्स या बैक्टीरिया चले जाते हैं। अगर वो खेलने के लिए ग्राउंड में जाते हैं, ग्रास पे खेलते हैं, मड पे खेलते हैं, वहाँ से जाते हैं, आपके घर में हैं वो आपके शूज़ चबाते हैं, सॉक्स चबाते हैं, डोरमैट्स चबाते हैं, वहाँ से जाते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे गाइस कि अगर आपने घर में या फिर पेट्स रख रखा है या फिर आपका एक केनल है, तो आप कभी भी बाहर से अगर आते हैं शॉपिंग करके या फिर ऑफिस से या फिर कहीं से भी अगर आप आते हैं, तो आप गाइस इंश्योर कीजिए कि आप नहाने के बाद ही कपड़े चेंज करके ही अपने डॉग से मिले, जिसके कारण कि जो बाहर का इन्फेक्शन है वो आपके डॉग्स तक ना पहुंचे। और अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने हाथ को सैनिटाइज करें और तब जाके अपने डॉग्स से मिलें, क्योंकि सफाई जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वॉर्म्स को कम करने के लिए। तो इस तरीके से गाइस जो वॉर्म्स मुँह के थ्रू अंदर चले जाते हैं वो इंटरनल पैरासाइट्स हो गए, और जो बॉडी पर रह जाते हैं वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हो गए, वो भी एनवायरनमेंट से ही हमारे डॉग के बॉडी पर जाते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स को रोकने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है साफ़ सफाई। आपने अगर केनल खोल रखा है या फिर आप अपने घर में ही डॉग को रखते हैं, तो आप इंश्योर कीजिए गाइस कि आप जिस भी जगह आपका डॉग रहता है, खाता है, सोता है, उसकी दिन में दो बार तो कम से कम डिसइंफेक्टेंट से उस जगह की सफाई होनी चाहिए। उसके बर्तन बिल्कुल साफ़ रहने चाहिए, उसकी जो कॉलर है, कॉलर पे गाइस लोग ध्यान नहीं देते, कॉलर जो है वो डेली खुलना चाहिए और डेली आप उसे साफ़ करें, क्योंकि उसके कारण भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉर्म्स हो जाते हैं, टिक्स हो जाते हैं। लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन डॉग्स के कान के अंदर जहाँ पे भी डैम्प एरिया होता है, अगर आप नहला के डॉग को पोछते नहीं हैं, वहाँ डैम्प हो जाता है, पूंछ के नीचे, कान के नीचे, पॉज में, तो इन सब जगहों पे टिक्स होते हैं। तो आप हर दिन डॉग को एक से दो बार हर जगह टच करें, हर जगह उसको सहलाएं, ताकि आपको पता चले कि वहाँ वॉर्म्स हैं या नहीं है। अगर टिक्स हैं तो आप उसे हटा दें। इंटरनल पैरासाइट्स जो होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो मुंह के थ्रू अंदर चले जाते हैं, तो इनको रोकने के लिए गाइस हमें डीवॉर्मिंग करनी पड़ती है। डीवॉर्मिंग से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये पैरासाइट्स होते क्या हैं। तो अलग अलग तरीके के वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं, विप वॉर्म होते हैं, हुक वॉर्म होते हैं, टेप वॉर्म होते हैं, और ये मतलब इतने ख़राब होते हैं कि अगर आपने टाइमली डीवॉर्मिंग ना की हो तो एक्सट्रीम केसेस में आपके डॉग्स की डेथ भी हो जाती है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूट्रिशन जो आपके डॉग को न्यूट्रिशन मिल रहा है उस पर सर्वाइव करते हैं, तो आप समझ सकते हैं गाइस कि ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है। शुरू से ही लेके अगर मैं बात करूँ तो अगर ये आपके डॉग के पेट में है, स्टमक में है, तो आपके डॉग को जो भी खाना मिल रहा है उसका सारा न्यूट्रिशन ये ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें उन पर सर्वाइव करना है। उनका ब्लड सक कर रहे हैं, उनके इंटेस्टाइन पर अटैक कर रहे हैं, तो आपके डॉग की ग्रोथ नहीं होगी। जो इंटरनल सिस्टम है डॉग का वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, उसके लिवर पे असर पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं गाइज कि इन सारी चीज़ों का जो कारण है वो बस एक छोटा सा वॉर्म है, और सिर्फ आपके प्रिकॉशन से, आपके प्रोएक्टिवनेस से आप अपने डॉग को एक बड़ी सी नुकसान से, बड़े से नुकसान से बचा सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो जो भी वॉर्म्स हैं उसको मारने की या फिर हटाने के प्रोसीजर को हम डिवॉर्मिंग कहते हैं। डिवॉर्मिंग गाइस एक शेड्यूल होता है। डिवॉर्मिंग के शेड्यूल में अगर पपी के बर्थ से स्टार्ट करूं तो जब आपका पपी 2 वीक का हो जाता है तो उसकी पहली बार डिवॉर्मिंग की जाती है। जब तक 3 महीने का ना हो जाए हर 2 वीक पे उसकी डिवॉर्मिंग करनी होती है। पपीज़ के लिए एक छोटा सा ओरल सस्पेंशन आता है डिवॉर्मिंग का, और एक बार आपका पपी 10 kg का हो गया तो आप उसे टैबलेट दे सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स टिल 1 ईयर, 1 साल तक आपको हर महीने डिवॉर्मिंग करनी है, और 1 साल के बाद आप हर 3 महीने पे डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो ये तो शेड्यूल हो गया डिवॉर्मिंग का इंटरनल वॉर्म्स के लिए। एक्सटर्नल वॉर्म्स के लिए मैंने आपको बताया कि उस जगह को साफ सफाई रखें, और टिक्स और फ्लीज के लिए बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं। शैम्पू आते हैं, पाउडर आते हैं, स्पॉट ऑन्स आते हैं, इंजेक्शन तक आते हैं। तो जो आपको सूटेबल लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स को हटाने के लिए। अब जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, तो बहुत बार ये होता है कि हमें पता नहीं चलता कि मेरे पपी की डिवॉर्मिंग कब हुई थी। हम रिकॉर्ड रखते नहीं हैं जनरली, तो कुछ साइन होते हैं, उस साइंस को आपको पहचानना है। साइंस क्या होते हैं कि आपके पपी का जो कोट है वो डल लगने लगेगा आपको, उसके आंखों से गंदगी आएगी। आप उसे बाहर वॉक पे ले जाएं तो वो दूसरे डॉग के पॉटी को खाना चाहेगा, मिट्टी खाना चाहेगा, काफ़ी ज़्यादा वो गंदी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये गाइस एक क्लियर साइन है कि आपके डॉग के पेट में वॉर्म्स हैं, तो आप तुरंत उसकी डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि आप जब भी डिवॉर्मिंग करें तो आप अपने पपी का या फिर डॉग का वेट ज़रूर करें, वेट उसका वज़न करें कि वो कितने वज़न का है, क्योंकि जो भी डिवॉर्मिंग है वो प्रॉपर मात्रा में उसे मिलनी चाहिए डिवॉर्मर। अगर आपका डॉग 30 kg का है और आपने उसे सिर्फ 2 टैबलेट दिए तो उसकी डिवॉर्मिंग नहीं होगी। अगर आपका डॉग 30 kg का है, आपने उसे 4 टैबलेट दे दिए, तो हो सकता है उसके और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएँ। तो गाइज वेट करके ही आप उसको प्रॉपरली डिवॉर्म कर सकते हैं। अब आपने डिवॉर्मिंग कर दी, अब उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप परेशान ना हो। चूँकि वॉर्म्स जो होते हैं वो पेट के अंदर होते हैं और डिवॉर्मिंग के बाद वो वॉर्म्स मर जाते हैं, तो पेट में इन्फ्लेमेशन होती है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसके कारण कि गैस बनता है, और गैस बनने के कारण एपेटाइट में कमी आ जाती है डॉग्स की। तो हो सकता है आपका डॉग 1-2 दिन खाना ढंग से ना खाए, लूज मोशंस हो सकते हैं उसे, और कभी कभी वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो गाइस ये सब घबराने की चीज़ें नहीं है, ये होता है, ये नेचुरल है, होता है। एक्सट्रीम केसेस में अगर बहुत ज़्यादा वॉर्म्स है अंदर, तो डॉग अगर डिवॉर्मिंग के बाद पॉटी करता है तो आपको उसमें भी वॉर्म्स दिखेंगे, तो बहुत घबराने की चीज़ें नहीं है, ये सब होता है। एक प्रिकॉशन आपको ज़रूर रखना है कि आप जब भी डिवॉर्मिंग करें सो विद इन नेक्स्ट 10 डेज हर दिन आप अपने डॉग को लिवर टॉनिक दें, जिसके कारण कि जो भी लिवर अपसेट हुआ है, स्टमक अपसेट हुआ है, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो गाइज ये थी बात, हमें डिवॉर्मिंग क्यों करनी चाहिए, उसके कारण क्या है, कितना ख़तरनाक हो सकता है। आपको इसके अलावा और कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि जहाँ पे मैंने मिस किया हो डिवॉर्मिंग से रिगार्डिंग, या फिर आपके कोई क्वेश्चन हो डिवॉर्मिंग से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल सही से सही जवाब दूँ उसका।
और मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ गाइस, मैं वेटनेरियन नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी बातें शेयर करता हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है, काफ़ी अपने डॉग्स पे अप्लाई किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आपके सामने उन चीज़ों को ला रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि हमेशा आपके साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ, ताकि आपको कभी भी अपने डॉग्स के साथ किसी तरीके की परेशानी ना हो। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव हैं, तो गाइस रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जिनके पास डॉग्स हैं, जो डॉग्स लवर हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे और किसी पॉइंट पे वीडियो बनानी चाहिए, तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पॉइंट पे भी, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ। और गाइस थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, आपके सपोर्ट से हमारा चैनल तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।